ये 2014 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने दो बिहार में मजबूत पेड़ों को, एक को ध्वस्त कर दिया और एक को आज संतोष मांझी मिले थे मोदी जी से, तो उन्होंने बात कहा कि पारिवारिक मुलाकात जी। मुझे तो जहाँ तक अनुभव है ना उनके यहाँ से कोई रिश्ता इनके यहाँ है ना इनके यहाँ से कोई रिश्ता उनका। ये तो नीतीश का करिश्मा है राजनीति का जी, कि वो छूते हैं तो पत्थर पारस बन जाता है। कुशवाहा राजनीति आज से नहीं हो रही है, कुशवाहा राजनीति 100% नीतीश के पास नहीं है ना जाएगी कभी जी। लेकिन नीतीश ने छुआ तो ये राजनीति एक्टिवेट हो गई ना जी जी। और अब नीतीश कुमार को तीसरे मोर्चे में लाने की कवायद की, कितनी बेचैनी मन में बैठे जी, यही बेचैनी नीतीश कुमार के मन में है। और यही रिवर्स साइकोलॉजी जो लालू यादव ने लगा दिए, बहुत पुराने जानकार है राजनीति के। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे स्टेशन पर एक खबर है, लेकिन यह बिहार के साथ साथ देश से जुड़ी हुई है। बिहार की राजनीति तो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन अगर देश की राजनीति पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा किस तरीके की राजनीति चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है। अगर बात लालू प्रसाद यादव से शुरू करते हैं तो HD देवगौड़ा तक जाता है। अब आने वाले समय में क्या कुछ बिहार में होने वाला है, इसी खबर की आज चीरफाड़ होगी और डॉक्टर साहब इसी खबर का आज सर्जरी करेंगे। तो डॉक्टर साहब, लगातार जो लालू प्रसाद यादव मुलाकात कर रहे हैं, शरद यादव हो या शरद पवार हो, जो NDA गठबंधन दल के भाजपा के नेताओं से मुलाकात करते हैं, HD देवगौड़ा से मुलाकात हो, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हो, तो शरद यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि रिलेशन जुड़ रहा है। मुलायम सिंह से तो पहले जुड़ चुका है, रिलेशनशिप जो जुड़ रहा है ना वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप जी। आज संतोष मांझी मिले थे मोदी जी से, तो उन्होंने बात कहा कि पारिवारिक मुलाकात जी। मुझे तो जहाँ तक अनुभव है ना उनके यहाँ से कोई रिश्ता इनके यहाँ है ना इनके यहाँ से कोई रिश्ता उनका है जी। और बात अगर ऐसे ही कॉमन सेंस की है कि नहीं, ठीक है पारिवारिक मुलाकात, मैंने अपने जैसे चिराग पासवान कल तक मानते थे जी कि वो पिता समान हैं जी, उनके हनुमान हैं, तो जो हस्त्र हुआ तो वो तो देखा ही आपने जी जी। लालू यादव की एक बात मुझे याद आ रही है, अभी दो कल ही उन्होंने शायद ये बात कही है, जब मुझे किसी ने पूछ दिया कि नीतीश के साथ वापसी की कोई संभावना जी, नीतीश के लिए कोई स्थान दिल में, तो उन्होंने बहुत सधे हुए तरीके से, लालू यादव ही ऐसा जवाब दे सकते हैं, कह दिया कि स्थान तो हमेशा था जी और स्थान तो खुद कोई खो देता है। हाँ बिल्कुल, उनके साथ रहा है पुराना रिश्ता, लेकिन ये राजनीति में रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं आवश्यकता के हिसाब से जी। आज सच पूछिए तो देश को जानते हैं आवश्यकता किस चीज़ की है राजनीति में जी, एक मजबूत विपक्ष की। अब चूंकि विपक्ष मजबूत या तो हो नहीं पा रहा है या सत्ता पक्ष उसे मजबूत होने नहीं दे रहा है, ऐसे में कोई तीसरी धारा बनती है जी। नदी का दो पुराना धारा अगर हो और अवरोध हो जाए कोई इसी धारे में, तो दूसरे धारे से पानी ज़्यादा तेजी से फ्लो करने लगता है जी जी, लेकिन उसके अलावा एक तीसरा धारा स्रोत फूटता है। देश की राजनीति में तीसरे धारे की शुरुआत लगभग हो चुकी थी जी। ये 2014 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने दो बिहार में मजबूत पेड़ों को, एक को ध्वस्त कर दिया और एक को झुका दिया जी, लालू यादव नीतीश कुमार को। उसके बाद उस वक्त तक मुझे लगता है कि लालू यादव को भी घमंड था अपनी ताकत पर और नीतीश जी को भी घमंड था अपने सोशल सर्जरी पर जी। लेकिन इन दोनों का जो घमंड टूटा तो भाजपा प्रचंडता में आ गई जी। लेकिन मजबूरीवश ही ये जब एक दूसरे से मिलते हैं 2015 में, मजबूरीवश क्योंकि दोनों हार गए थे, और जब ये मिलते हैं आपस में तो इतना प्रचंड हो जाते हैं, इतनी प्रचंड माने इतनी तेजी से बह रही धारा को रोक देते हैं। जो लालू यादव और नीतीश कुमार का मुलाकात हुआ, जो बना जो मंच याद है हमें, जिसे बिहार में महागठबंधन कहा गया और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कल्पना शुरू हो गई जी, याद है उसको लेकर एक जमावड़ा हुआ दिल्ली में, और जमावड़े में आपको याद होगा मुलायम सिंह, ममता बनर्जी, मायावती, कनिमोज, सारे लोग जो पुराने नेता हैं वो इकट्ठा हुए, अपने अपने राज्यों से आए, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकल नहीं पाया चूंकि लालू यादव कन्विंस नहीं कर पाए नीतीश कुमार को कि वो इस जमावड़े का प्रतिनिधित्व उनको देंगे, चेहरा उनको बना पाएंगे जी। लालू चाहते थे कि नीतीश लीड करें इस फ्रंट को, नीतीश के पास चेहरा भी था, नीतीश के पास बेदाग छवि भी थी, और जो गलतियां लालू यादव से अपनी राजनीति में हो गई थी वो नीतीश ने नहीं की थी जी, काम करने का तरीका हाँ, तो उन्हें उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था लालू यादव को कि वो अपने इस भाई को मुंह बोले जी, देश के प्रमुख कुर्सी पर बैठा सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हुई कि नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस का कमी हुआ इस जो थर्ड फ्रंट बना था इससे, और इस वजह से वो घसक गए
बाद में फिर भाजपा के साथ उनकी वापसी हुई, आपने देखा है किस तरीके से सब कुछ हुआ। अब परिस्थितियां ये हैं कि नीतीश कुमार उस स्थिति में चले गए जिस स्थिति में उन्होंने भाजपा का हाथ पकड़ा था, मतलब भाजपा नीतीश, नीतीश भाजपा, रेसिप्रोकेट हो गया, रोल्स इंटरचेंज हो गया। अब ऐसी स्थिति में नीतीश अनकंफर्टेबल रहेंगे ना, नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, उन्हें दबाव की राजनीति, उन्हें अंडर प्रेशर, उन्हें कमजोर राजनीति करना पसंद नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो खेल ही बदल देते हैं, जैसा कि उन्होंने इस बार बदल दिया। अब वो लवकुश लवकुश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज के नेताओं को सडनली लगा जैसे कि कोई गर्म पानी डाल दिया हो चींटी के बिल में, और सब भगा भगा निकल रहे हैं बाहर जी। कैसे? ये नीतीश का ही किया हुआ है ना। मैं तो परसों भी मैंने कहा था कि ये तो नीतीश का करिश्मा है राजनीति का जी, कि वो छूते हैं तो पत्थर पारस बन जाता है। कुशवाहा राजनीति आज से नहीं हो रही है, कुशवाहा राजनीति 100% नीतीश के पास नहीं है, ना जाएगी कभी जी। लेकिन नीतीश ने छुआ तो ये राजनीति एक्टिवेट हो गई ना जी जी। और अब नीतीश कुमार को तीसरे मोर्चे में लाने की कवायद शुरू हुई है। नीतीश कुमार ये जानते हैं अच्छे से कि कल तक भाजपा के साथ लड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन अब ये लड़ाई ताकत हो ना हो लड़नी पड़ेगी जी। आप जिस इंतजार में कि नहीं हम बहुत ताकत बढ़ा लेंगे तब लड़ेंगे भाजपा से, भाजपा उतना मौका नहीं देने जा रही है और ना उतना समय आपके पास है। आप कमजोर हो चुके हैं, आपको कई सीटों का नुकसान हुआ है और भाजपा यहाँ से आप पर भारी ही पड़ना चाहती है, ये भी भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है। अगर सम्राट चौधरी के बयानों को आप देख लीजिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि नीतीश कुमार को कमजोर करने का एक सिलसिलेवार प्लान बना हुआ है जी, जो इन मोशन है, और एक एक करके इस बड़े प्लान का छोटे छोटे ब्लॉक्स एग्जीक्यूट किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। अब समझना ये होगा, जब लालू यादव विपक्ष के दिग्गज नेताओं से मुलाकात शुरू करते हैं और नीतीश कुमार लालू यादव की बातों में हाँ मिलाने लगते हैं जी, और आरक्षण को लेकर हो, जनगणना को लेकर हो, किसान आंदोलन को लेकर हो, व्यापक राजनीतिक विकल्प को लेकर हो, अगर उपेंद्र कुशवाहा ये कहने लगते हैं कि पीएम मटेरियल नीतीश कुमार, तो या तो हम समझा नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, या आप लोग देख कर पढ़ कर भी समझ नहीं पा रहे हैं जी क्या हो रहा है। नीतीश लालू इस बार सीधे नहीं मिलना चाहते हैं, पर्दे के पीछे मिलेंगे जी, खेल पीछे से होगा। आप कह रहे थे कि लालू जी ने मुलाकात की, डेफिनेटली लालू जी ने बहुत लोगों से मुलाकात की, सब तस्वीरें हमने देखा, जिससे नहीं तस्वीर मिला है और मिले हैं उसका क्या? जो गुप्त बैठक हुई, जो गुप्त बैठकें हुई हैं, जो गुप्त मीटिंग्स हुई हैं, जो कोरोना के दौरान मुलाकातें हुई हैं, ओवैसी से मुलाकात हुई है जी, बिहार के दिग्गज नेताओं से मुलाकात हुई है, खबर तो है कि नीतीश जी से भी मुलाकात हुई है जी, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी से मुलाकात हुई है जी, मुकेश सहनी दिल्ली गए थे और कोई तस्वीर निकल कर सामने नहीं आई, सामने नहीं आई। तो भैया मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति में जो दिखता है सामने उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पीछे हो रहा होता है। पंचनामा यही है जी, सामने की खबरों को हमने कहाँ कभी पंचनामा में किया, हम हमेशा पीछे की खबरों को उठा कर लाते हैं। और मेरा जो इनपुट कह रहा है ललन सिंह का दिल्ली में रुक जाना, आरसीपी सिंह से, देखिए ललन सिंह को कुर्सी मिली है और आरसीपी से ढेर लोग मिलने जा रहा है जी, ललन सिंह से तो लोग मिल ही रहे हैं जो मिल रहे हैं, आरसीपी सिंह से बहुत लोग मिल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली भाजपा जिस रणनीति में है वो बिहार में अपने आप को बड़ा करना चाहती है जी। नीतीश इसके लिए तैयार नहीं है, नीतीश के जीते जी ये संभव नहीं है। नीतीश अपने सामने, नीतीश अगर नीतीश कुमार की राजनीति अंतिम स्तर पर भी चली जाए तब भी वो इस कॉम्प्रोमाइज में नहीं पड़ेंगे जी, तब वो कुर्सी छोड़ देंगे और कुछ नए समीकरण के पीछे भागेंगे। या हो सकता है जो चर्चाएं आम हो गई हैं बिहार के राजनीति में कि राज्यपाल बन जाएंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ऐसी समीकरणों के लिए भी वो तैयार हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में भाजपा के समक्ष हथियार डालने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है जी। और इसी की तैयारियां हैं ललन सिंह को कुर्सी कमान देना, इसी की तैयारियां उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाना, और लालू यादव जो एक और देखिए एक नीतीश की तैयारी और एक लालू का जुगाड़ जी, जो लालू यादव जुगाड़ कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं की गोलबंदी जो कर रहे हैं, आपने सही कहा कि एक जगह रिश्ता हो सकता है, सब जगह रिश्ता तो नहीं हो सकता जी। और लालू यादव बीमारी से उठे हैं, अभी कोरोना का प्रकोप चल ही रहा है, ऐसी स्थिति में इतने ज़्यादा लोगों से मिलना उचित नहीं है। सर अगर देखें, मान लीजिए आप मुलाकात ही करते हैं जी, समस्याएँ समझते हैं, बीमारी समझते हैं, लेकिन उस दरमियान वहाँ से निकल कर तो आप पॉलिटिकल बातें नहीं कर सकते हैं ना, जो दिमाग में जो मीटिंग्स में चलती है वो मुंह पे आ जाती है। बिल्कुल, और यही हुआ लालू जी के मुंह से निकली बात है जी। उस मीटिंग में लालू यादव ने बहुत बहुत कमी सदैव शब्द में अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन इतने पुराने नेता है ना कि अगर कुछ कहते हैं तो उसका अर्थ निकल जाता जी, है जी। और ये अर्थ जो निकलता है वो यही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए रास्ते खुले हुए हैं। आपने देखा चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को लेकर थोड़ा रुख बदला है जी,
जिस नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करते करते मर जाए मिट जाए लेकिन नीतीश को बर्बाद कर देंगे जी, वो राज रणनीति बदल रही है। नीतीश चिराग के साथ खड़े हो जा रहे हैं और माफ कीजिए चिराग नीतीश के साथ खड़े हो जा रहे हैं और अब एज अ होल देखते हैं बिहार के राजनीति का फलसफा तो वर्तमान में आरक्षण और ओबीसी आरक्षण की बात मैं कर रहा हूँ और जो जनगणना है इन दोनों पर बिहार में दो डिवीजन है जी, एक तरफ भाजपा अकेली और दूसरी तरफ पूरा का पूरा सभी पार्टियां सारी पार्टियां मतलब भाजपा के साथ कोई नहीं खड़ा है जी, नॉट इनफैक्ट जो उनके साथ अलायंसेस में है वो भी नहीं और समझिए ये सारे लोग विपक्ष के साथ खड़े हैं और ऐसे में नीतीश कुमार कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो आप समझिए यहाँ क्या हो रहा है। विपक्ष ने कहीं ना कहीं एक रास्ता खोज लिया जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ पिछले दो दिनों से, ये जातिगत जनगणना जो सामने हमारे दिख रहा है एक बड़ा बहुत मॉन्यूमेंटल चीज है। क्यों बड़ा है, क्यों इस पर विवाद हो रहा है, क्यों भाजपा पीछे नहीं हट रही है, क्या दिक्कत है भाजपा को बात मान लेने में, लेकिन भाजपा क्यों नहीं मान रही जी, क्योंकि भाजपा को पता है कि इसी समीकरण के आधार पर मोदी का मिथ टूटेगा, राजनीतिक भ्रम टूटेगा। आज जिस पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के तहत भाजपा केंद्र में गई है, एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो हुआ है जिसका पोलराइजेशन का फायदा हिंदू वोट का वो उठा लिया उन्होंने जी, दलित डिवीजन में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा साधा विपक्ष और आपने देखा बंगाल में इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ जी जी, बंगाल में हिंदू वोट डिवाइड हुआ और हिंदू वोट डिवाइड होने की वजह से ममता बनर्जी को क्लियर मैंडेट मिल गया जी, और ये समीकरण जब बन जाता है कहीं इस समीकरण को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना होगा और ये तब होगा जब सारे ओबीसी और ईबीसी और जितने भी छोटी जातियां हैं उनको पता चल जाएगा उनका स्पष्ट कितना वोट प्रतिशत है। सर नीतीश कुमार की अगर बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार बिहार में जो सभी लोग मुद्दा उठा रहे हैं तो नीतीश कुमार इसको लीड अचानक से करने लगते हैं, इसके पीछे की रणनीति देखिए नीतीश लीड नहीं करेंगे ना तो नीतीश को पीछे आना पड़ेगा और आप खुद समझिए कि अभी फिलहाल जो राजनीति ये वो रणनीति तो नहीं है जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार लंबे समय से। नीतीश कुमार के मन में तो ऑब्वियसली ये तो नीतीश ने खुद ही कहा है, बहुत पहले ही कहा है उन्होंने कि सभी चाहते हैं कि शीर्ष पदों पर पहुंचे जी जी, इसमें कोई मतलब ना चोरी है ना इसमें कोई छुपा कर करने वाली बात है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि अगर नीतीश कुमार ऐसा कुछ भी करते हैं तो भाजपा ने जो लौकुश साधना चाह रहे हैं उसी समीकरण के आधार पर उसी भाषा में जवाब दिलवाया है उन्हें। सम्राट चौधरी का इस तरह से ललकार देना और भाजपा के नेताओं का आपने देखा विवेक ठाकुर ने बोला है और लोगों ने कहा है, ये बहुत अग्रेसिव है, बहुत सेंटिमेंटल चीज़ है भाजपा के लिए। भाजपा इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती जी, अब गठबंधन रहे या टूटे जो भी हो मजबूरी केवल भाजपा की नहीं है, मजबूरी नीतीश और भाजपा दोनों की है और ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा सा भी मैं बताता हूँ ये जानते हैं अच्छे से कि थोड़ा सा भी अगर एक दूसरे को मार्जिन ऑफ एरर दे देंगे तो तेजस्वी को मौका मिल जाएगा। सर यही मार्जिन ऑफ एरर नीतीश कुमार भी नहीं देना चाहते हैं कि थोड़ा सा भी देंगे तो कोई नेता अगर आगे बढ़कर इसको कैच कर लेता है तो हमारी और यही आपने आपका जवाब देखिए ऑटोमेटिकली आ गया जब आप पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार क्यों सामने आ रहे हैं, पहले नहीं आए अब आ रहे हैं, अब क्यों लीड करना चाहते हैं। अब नीतीश लीड नहीं करना चाहते हैं, अब लालू यादव भाव नहीं दे रहे हैं जी, या लालू यादव ने एक कुर्सी खाली रख दी है और न्योता भी नहीं दिया है, कैसा लगेगा आपको? आपके गोतिया के यहाँ ब्याह हो, एक कुर्सी खाली रखा लो, आप उस पर नाम भी लिखा हुआ आपका और आपको कार्ड नहीं पहुँचा शादी का, कितनी बेचैनी मन में बैठे जी। यही बेचैनी नीतीश कुमार के मन में है और यही रिवर्स साइकोलॉजी जो लालू यादव ने लगा दिए, बहुत पुराने जानकार हैं राजनीति के और हर राजनीति के नस को बिहार के समझते हैं। नीतीश कुमार डेफिनेटली बिहार की राजनीति में कैसे चाणक्य उभर कर आए हैं जो हर तरह से सरकार बनाने के गुण जानते हैं जी, लेकिन लालू यादव की भी काबिलियत को इतनी हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। लालू यादव नीतीश कुमार की तरह सत्ता का सुख नहीं प्राप्त किए थे, जीरो से उन्होंने शुरुआत की थी। नीतीश के पास तो एक लंबा राजनीतिक संघर्ष का समय रहा, एक बड़े गुरुओं का आशीर्वाद रहा, लेकिन लालू यादव का रातों रात उदय हुआ था जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक अपॉर्चुनिटी को समझा। समीकरण जो आज हम चर्चा करते हैं पूरे देश में, आज प्रशांत किशोर हो या कोई भी हो, कोई भी राजनीतिकार हो, जिन समीकरणों की चर्चा और वोट बैंक की राजनीति वो कहते हैं और करते हैं और बेचते हैं, उसे तो लालू यादव ने बहुत पहले ही साथ दिया था बिहार में जी। तो ऐसे में लालू यादव अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो नीतीश की बेचैनी, इंटरेस्ट, नीतीश का उसमें उत्सुकता, जैसे कि बिहार वाला बात बता रहे थे, डेफिनेटली लाजमी है। और ऐसे में नीतीश कुमार का अगर साथ मिल जाता है लालू यादव को तो डेफिनेटली भाजपा के लिए तो एक बहुत बहुत खतरे की बड़ी घंटी ये बज जाएगी जी। तो कहीं ना कहीं जो देश में राजनीति चल रही है अचानक से कोई ऐसा बयान नहीं दे देता है, लालू प्रसाद यादव जब भी किन्हीं से मुलाकात करते हैं तो उनका बयान उसी तर्ज पर आता है, एक पैटर्न सा बन गया। मुलायम सिंह यादव के बाद तीसरे मोर्चे की तैयारी और सवाल भी वैसा ही किया जाता है,
और बिहार में भी इस पैटर्न को अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपना रहे। मीटिंग्स के बाद प्रधानमंत्री मोदी यानी पीएम मटेरियल को लेकर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करना, कहीं ना कहीं ये सभी पैटर्न है। और इन सभी पैटर्न का जो निचोड़ आप निकाल सकते हैं वो वही निकलता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।